Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I am your maths mentor. So my dear all, hume meri regular classes mein aur kaayam Wi-Fi study CSIR ne channel par. So main aap sabhi logon ka swagat karta hoon kaha Wi-Fi study CSIR ne channel pe. Mera referral code hai Amit Stan. मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ, एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड हूँ. सो माय डियर ऑल, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करें और इजिली करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में करें. दैट इज माय टारगेट. सो इसी उद्देश्य से मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास में मेरा बचा हुआ टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम किया था एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए. सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ एनालिटिक फंक्शन. सबसे पहले हम जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में. So that other classes, that means our regular class. A regular class जो कि Monday to Friday होता है, 7 PM पे होता है और platform होता है Wi-Fi Study CSIR Net channel. Okay? So that means ये आप easily YouTube access कर सकते हो. Super question series, super questions Monday to Friday. Platform क्या होता है? Wi-Fi Study CSIR Net channel. The last one is the plus classes. प्लस क्लासेस क्या है भाई? इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या सर यही क्लासेस है? नहीं, और भी क्लासेस हैं. वो है देखिए, इन दोनों का फर्स्ट, इन दोनों का है प्लेटफॉर्म क्या? वाईफाई स्टडी. बट इन दोनों के लिए हमने क्या रखा हुआ है प्लेटफॉर्म, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज करते हुए आपको बताना चाहूंगा. यहाँ पे नोटिस कीजिए, व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म इज दिस एंड दिस वन, बोथ आर द सेम. बट आई हैव अनदर क्लास कॉल्ड द स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास ये मेरी होती है अन अकेडमी पर. क्या प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म क्या है इसके पास? प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी. अन अकेडमी, और इसका भी प्लस नहीं, अन अकेडमी. सो दैट मींस अन अकेडमी की क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. कैसे लेते हैं भाई? देखिए, स्पेशल क्लास मेरी फ्री है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल के और लर्निंग ऐप, कौन सा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए. जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, यू विल गेट दैट कि आप मेरी सारी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है? सो दैट मीन्स दैट फर्स्ट योर टारगेट कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें. सो क्या प्रोसेस है मेरा दोनों क्लासेस को एक्सेस करने का, मैं अभी आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हमें क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप. हमें फर्स्ट, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए. आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन द बटन नेट एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू मूव टू द CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन. जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस प्लेस, गेट सब्सक्रिप्शन. सो गेट सब्सक्रिप्शन होते ही क्या होता है भाई? हम पहुंचते हैं इस पेज पे. इस पेज पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ, 2 मंथ का, तो 1 मंथ का. तो ये सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं और इनके दिए हुए हैं प्राइस. मैं यहाँ की सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ कि क्या एनालिसिस है और क्या पर्पज है इस सब्सक्रिप्शन का, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. तो देखिएगा, 24 मंथ का, आई विल रिकमेंड टू द स्टूडेंट, दोज आर इन द MSc फर्स्ट ईयर. सो MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इसको लेना चाहिए. ये मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि MSc कंप्लीट हो गए, पता नहीं CSIR नेट एग्जाम होता है, तो ये उन लोगों के लिए है या थोड़ी सी नॉलेज है तब भी. जिनको थोड़ी सी नॉलेज होती है उनको 6 मंथ का. लेकिन 6 मंथ में अगर आप देखेंगे और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मच बेटर कि आप 12 मंथ का ले लें. क्यों ले रहे हो भाई 6 महीने का जब सेम ही प्राइस है? ठीक है, 1000 रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है. सो बेटर है कि हम 12 मंथ का लें. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12 मंथ तक तैयारी करनी पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि 6 महीने में एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आपके पास जो समय होगा रिजल्ट और उसके बीच में, तो क्या आपने घर बैठोगे? नहीं. वी हैव टू बी ग्रो अवर नॉलेज बिकॉज वी हैव टू फाइट सम इंटरव्यूज, वी हैव टू फाइट इन सम एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो दैट मीन्स ये ज़्यादा बेटर है भाई, सबसे ज़्यादा बेटर है वो लोग जिनके पास MSc कम्प्लीट हो गई है. So, इसको फोकस कीजिए इसको लेने की. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने का. अब सर आपने तो यहाँ पर लेकिन प्राइस अलग लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर कैसे चेंज आ गया? आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ दिया हुआ है अपना रेफरल कोड. क्या है रेफरल कोड? रेफरल कोड है अमित स्टैन. अमित
S10। आपने जैसे ही इस रेफरल कोड का यूज किया आपको एडवांटेज मिल जाएगा 10% ऑफ का। सो 10% ऑफ का बेनिफिट आप ले लीजिए, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग एंड दैट इज अ पर्पस ऑफ दिस वन। सो ये तो बातें हुई हमारी अनअकैडमी की मेरे बारे में। अब हम बात करते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में जहां पे हमने कल छोड़ा था। सो दैट मीन्स कल हमने डिस्कस किया था अपने फंक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज दैट, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आप ये जानते हैं। ओके दैट्स गुड, मैं जानता हूं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी फंक्शन में मैं पुट कर दूं तो मैं कहता हूं दिस इज माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी मेरा बन गया ना। अब इसके पास क्या था, दिस इज द रियल पार्ट एंड दैट इज द इमेजिनरी पार्ट, दैट वाज द रियल पार्ट। इसी तरीके से जो हमारे पास फंक्शन आया उसको भी हमने क्या लिखा है, एफ जेड इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज अ यू प्लस आई वी। इसके पास भी रियल पार्ट है और इसके पास भी इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन था ना, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है मतलब फॉर्म तो ऐसे ही होगी बट ये क्या होंगे, अब होंगे ये फंक्शंस, ठीक है, टू टू वेरिएबल के, दैट मीन्स एक्स और वाई वेरिएबल के। ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हो गई थी लास्ट लेक्चर में। हमें ये भी मालूम हो गया था कि भाई हमारे पास जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि हम डेफिनेशन को जान गए थे। भाई हमें लिमिट लगानी होगी, क्या लिमिट लगानी होगी, एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और हमें देखना होगा क्या ये एग्जिस्ट है, इसकी बात की थी। इसकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, एच टेंस टू जीरो का मतलब क्या है। देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट के पास कोई ए पॉइंट है इस पे पास पहुंचने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज होते हैं। सो यानी कि अलोंग एनी पाथ ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, सब पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। कोई भी मैं कर्व ले लूं तब मैं कहता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट है, और हम कहते हैं इसको डिनोट कर दिया था हमने किससे, एफ डैश ए से। ये बात की थी हमने डेरिवेटिव की, ठीक है। सो डेरिवेटिव भी पता लग गया था। उसके बाद हमने कहा था कि सर ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, क्या आप हमें बताएंगे। सो मैंने आंसर किया था आपको यस, एनालिटिक क्यों नहीं बताएंगे। एनालिटिक फंक्शन यानी कि फंक्शन अगर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अगर ये कोई पॉइंट ए है और इसका जो हमने रेडियस स्मॉल रेडियस का डेल्टा रेडियस का एक मैंने सर्किल बनाया उसके हर एक पॉइंट पे, यानी कि नेबरहुड मैंने इस पॉइंट का लिया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सिंपली जेड माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा। सो दैट मींस ए पॉइंट के जो भी नेबरहुड है, जितने पॉइंट्स हैं नेबरहुड में उन सब पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तब हम बोलते हैं वो फंक्शन एनालिटिक हो गया। जो पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट हमारे जिन पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था उन पॉइंटों को कहा जाता है रेगुलर पॉइंट, और फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन या फिर रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी। तो फिर हमने ये भी पूछा था आप लोगों ने कि सर क्या हमें हर बार ऐसे चेक करना होगा, क्या यही डेफिनेशन चेक कर अप्लाई करनी होगी। मैंने आंसर क्या दिया था आप लोगों को, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आई थी सीआर इक्वेशन यानी कि कॉशी रीमान इक्वेशन, उसने अपनी इक्वेशन और कंडीशंस दी, इसको हम कंडीशन भी कह देते हैं और सीआर इक्वेशन भी कहते हैं, इन जनरल दे आर द कंडीशन। क्या कंडीशन दी गई थी और वो नेसेसरी कंडीशन कब सफिशिएंट में बदल गई, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं सीआर इक्वेशन की कंडीशंस इन कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद हम कुछ इसके की पॉइंट्स देंगे, फिर हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे, की पॉइंट्स देंगे और फिर इन सारे पॉइंटों को दिखाएंगे कि किस किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। सो चलिए रिकॉल हो गया है, आप शुरू करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन से कि नेसेसरी पार्ट क्या है उसमें और सफिशिएंट पार्ट क्या है। सो वी हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है ना। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। सो लिखिएगा आप जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सीआर इक्वेशन। सो लिखिएगा द फंक्शन एफ जेड, द फंक्शन एफ जेड, अब जब भी हम लिखते हैं इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। भाई इसको हम w के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द वे टू राइट। भाई इस ये एक नंबर है ना, और नंबर को रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हमारे पास जो फंक्शन आने वाला है वैल्यूज दे मे बी द कांस्टेंट एंड दे मे बी द अदर थिंग्स, सो दे मे बी द फंक्शन ऑफ x एंड y, सो इसको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं w, ठीक है, सम टाइम। सो लिखेगा द फंक्शन fz इज इक्वल टू u प्लस iv इज एनालिटिक इन अ डोमेन d, इज एनालिटिक
In domain D, in analytic, in domain D, if क्या if conditions थी? First condition क्या है? ये देखिएगा आप, a condition, u and v are differentiable, दोनों मेरे फंक्शन यानी कि रियल पार्ट भी और उसका इमेजिनरी पार्ट भी बोथ आर द डिफरेंशियबल फंक्शन, ठीक है, इन डोमेन डी, इन डोमेन डी एंड साथ साथ लिखिएगा एंड क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ux इज इक्वल टू vy, ठीक है, एंड कह सकते हैं uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये क्या है, cr इक्वेशन है, दिस इज अ cr इक्वेशन और सीआर कंडीशंस, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आपके उसके जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई उनमें ये रिलेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन। सो सबसे पहले जब भी हम कहते हैं क्या नेसेसरी कंडीशन की बात, यानी कि अगर ये फेल हो गई तो हम बोलते हैं कि भाई फंक्शन हमारा कॉपी भी किसी भी रेट पे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं हो सकता है, वो एनालिटिक नहीं हो सकता है अगर ये फेल हो गई, एनालिटिक नहीं हो सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कि वो फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं होगा अगर ये फेल हो गई। अगर ये पास हो गई तो अभी हम गारंटी नहीं कर सकते, इस बात को गारंटी करने के लिए कि अगर पास है उसके बाद हम दूसरी क्या कंडीशन देखें तो हम सफिशियंसी की तरफ अप्रोच करते हैं। व्हाट इज द सफिशियंट कंडीशन, बी, इसको बोला हमने सफिशियंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में भी देखिएगा क्या मतलब है इसका, लिखिएगा द पार्शियल डेरिवेटिव्स, द पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो लिखिएगा द पार्शियल डेरिवेटिव, कौन कौन से हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यू एक्स यू वाई वी एक्स एंड वी वाई, इसका मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, ये जितने भी हूं दैट शुड बी द कंटिन्यूअस। तो लिखिएगा द पार्शियल डेरिवेटिव ऑल आर कंटिन्यूअस, दे हैज टू बी कंटिन्यूअस, कहां, इन डोमेन डी के अंदर। अगर ऐसा बोलते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन मेरा एनालिटिक है, सो दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। पहले नेसेसरी को पास कर रहा है तो हम इसको चेक करते हैं, अगर ये हो गया तो बस बल्ले बल्ले हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक हो गया, ठीक है। सो दैट वाज अ कंडीशन। तो सर क्या हमारे पास यहाँ कुछ और भी रिमार्केबल चीज है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, तो उसको आप लिख लीजिएगा, कुछ रिलेशंस बने हुए हैं हमारे पास, क्या क्या है हमारे पास की पॉइंट्स, यू शुड रिमेम्बर की पॉइंट्स, ठीक है, व्हाट इज दैट, फर्स्ट की पॉइंट नोट कीजिएगा। सो फर्स्ट में आप सबसे पहले लिखिएगा, हमें मालूम होना चाहिए अगर कहीं लिखा हुआ है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, so simply you have to be right that is equal to del w by del x, isko kya bola jata hai, derivative in cartesian form, that is what, derivative derivative in cartesian form, ठीक है। जब भी हम डेरिवेटिव इन कार्टेशियन के फॉर्म की बात करते हैं, देखो ये किसका फंक्शन है, जेड का, बट मैंने यहाँ क्या पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का, और डब्ल्यू क्या होता है आप जानते हैं, डब्ल्यू इज नथिंग, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। सो दैट मीन्स इस डब्ल्यू को मुझे इसके रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेना है और W मेरा कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मींस व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज ओके। ये हम फर्दर स्टडी के लिए हमें यूजफुल होता है, पहला की पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमें यूज होंगे, कैसे यूज होते हैं वही बताऊंगा। सेकेंड की पॉइंट क्या, अगर हमें लिखा है कहीं एफ डैश जेड, सो दैट मीन्स सिंपली हमें क्या होगा, डी इसका मतलब क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी जेड, और आपके पास इसके पास क्या है, यू भी है और वी भी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अभी तो हमने इसको डेल बाई डेल एक्स लिखा था, सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस, देयर इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू
del u by del x plus I del v by del x. नोटिस पॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमने x के ही रेस्पेक्ट में किया हुआ है, जिसको मैंने दोबारा से चला करके पेन डार्क कर दिया. सो दैट मीन्स जब f dash z की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दीजिए आप, सो आपको इसको एडवांटेज मिल जाएगा. ठीक है, और अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये इसी बात के अंदर कि भाई इस डेरिवेटिव का मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कीजिए, दैट मींस व्हाट विल बी दैट, ये क्या है एक, इन दोनों का स्क्वायर का रूट ही तो करना होता है, ऊपर से स्क्वायर ले दिया, इसका मतलब इसके में स्क्वायर रूट की भी जरूरत नहीं है. दैट मींस यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर. ठीक है, यानी कि आपने सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसको स्क्वायर किया. सो ये सिंपल रिलेशन आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, कहीं भी मिल जाए यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसी लेस देन है नंबर से. सो समझ जाइएगा ये उसका डेरिवेटिव आपका लेस देन है किसी नंबर से. सो हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इन पॉइंटों पर हम ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, थर्ड एक और लिख लीजिए पॉइंट यहीं पर. थर्ड पॉइंट क्या है ये भी लिख लीजिएगा, डी यू, यानी कि अगर हम टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो टोटल डेरिवेटिव कैसे बात करेंगे, डी यू इज इक्वल टू कैसे, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई एंड डी वाई. यू शुड रिमेम्बर, ठीक है, ये चेन रूल की हेल्प से हम लेके आ जाते हैं, बहुत यूजफुल होता है और ऐसे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए. तो कार्टेशियन फॉर्म का पता लग गया हमें, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पता लग गई, एनालिटी ऑफ द फंक्शन की हमें कुछ की पॉइंट भी पता लग गए, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है ना, सो दैट इज अ थिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है भाई, ये तो हमारे पास कार्टेशियन थी, क्या पोलर फॉर्म भी होती है? सो बिल्कुल होती है जी, और पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, सिर्फ इसी रिलेशन पे फोकस करता है एग्जामिनर. सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना, इन चीजों को, डेफिनेशंस को. सो नाउ देन कम टू दिस वन, पोलर फॉर्म ऑफ द सी आर इक्वेशन क्या होती है, लिख लेते हैं हम इसको. पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन ओके. सो चलिए पोलर फॉर्म देखते हैं और क्या पोलर फॉर्म होती है, लिखिएगा. अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, हम चूंकि आप जानते हैं भाई ये चीजें कुछ देख लीजिए, हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. पोलर फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फोर पोलर फॉर्म आप इसी का यूज करते हो. दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा. आपने अगर बाहर निकाल लिया तो बनेगा क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. बाय द यूलर्स फॉर्मूला आप क्या जानते हो, दिस वैल्यूज आर ई टू द पावर आई थीटा. ठीक है, जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इस केस में हम अगर इसकी आर की वैल्यू निकालने चले तो हम ये भी जानते हैं, अगर मैंने इस इक्वेशन का इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया इन दोनों को, दैट मींस व्हाट हैपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर. ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर. सो सिंपली जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास पोलर फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई कॉस थीटा, ई की पावर आई थीटा. तो हमारे पास जेड की वैल्यू भी मिल गई हमें पोलर फॉर्म में, लिख सकते हैं आप इसको प्रॉपरली मैनर से. इफ अ फंक्शन, लिखिएगा इसको स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड इज इक्वल टू एंड जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा. ठीक है, वेयर सभी आपके पास यू आर वी सब ऑल आर द रियल्स नंबर हैं. ठीक है, देन दिस इसको कर दीजिएगा, देन सी आर इक्वेशन. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सी आर इक्वेशंस आर क्या होती है, लिख लीजिएगा, डेल यू अपॉन
del r is equal to 1 by r del v by del theta, or simply मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर del v by del r is equal to minus 1 by r del u by del theta. शॉर्टली कहें तो हम आप सिंपली क्या करना होगा आपको, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूंगा u और v लिखिएगा इक्वल. इसको याद रखने का थोड़ा सा एक प्रोसेस है, सबका अपना अपना वे होता है, सो हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं. ठीक है, ये हमने लिखा, दो बार हम इसको ऐसे लिखना है u और v और u और v. सबसे पहले सिंपली यहाँ पर r लगाइएगा, यानी कि मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू r. यहाँ पर लगाइएगा आप थीटा, जहां पर भी थीटा आता है आपके पास वहीं पर 1 बाई आर आता है. ठीक है, तो सिंपली आप लगा दीजिएगा 1 बाई आर. सेकंड वाले में अब इस बार आपने क्या किया है, आर और थीटा लगाया. नेक्स्ट टाइम आपको थीटा यहाँ पर लगाना है, आर यहाँ पर लगाना है. ओके, थीटा आर लगाया, मैंने क्या कहा था थीटा के साथ ही आर आता है, सो दैट मीन्स आप 1 बाई आर लगा दीजिएगा और साथ में इधर माइनस भी लगा दीजिएगा. सो दैट मीन्स दिस गिव यू द रिलेशन. व्हाट इज दिस रिलेशन, आपके पास क्या मिल गया, del v by del r is equal to, that means this one, del v by del r is equal to minus time of this one. So you can remember also by this way or by this way, whatever, this is your choice. यानी कि जो हमारे पास polar form थी, इसमें क्या polar, Cartesian form में क्या था, u is equal to v, u is equal to v. क्या करते थे हम, x और y, y और x और minus sign, यही तो करते थे. So that means यहाँ पर भी हमने वही किया, r के जो theta है उसी के साथ 1 by r आता है जी. ठीक है, so that means we are getting the answer of this one, कि हमारे पास polar form ये होती है और इसको याद करने का प्रोसेस भी बता दिया. इसका फायदा क्या है सर, इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास सिंपली फंक्शन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है एफ जेड, सो दैट मीन्स आपको डायरेक्टली इस सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखिए, और डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में यही आ जाती है कौन सी होती है, तो कंडीशन रिप्लेस करता रहता है, सो दैट मीन्स हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में. तो सर जब आपने इसके बारे में बता दिया तो इसका भी कोई डेरिवेटिव को बात कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल बात कर सकते हैं. तो इसकी डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं, लिखिएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन w अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन w डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w is equal to fz से ही मतलब है उसका, w in polar form, in polar form क्या होता है आप देखिएगा, अब वहां पे भी हमने dw बग की बात की थी, तो dw by dz सिंपली हमारे पास क्या है यहाँ पर, z is equal to re की पावर i theta, हम जानते हैं ये polar form में z की वैल्यू, that is equal to e की पावर minus i theta and del w by del r, okay, del w by del r which is equal to minus i by r e to the power minus i theta del w by del theta. So agar aapse pooch liya jaye ki bhai dw by dz nikaliye to aapke paas ye value aati hai. Theek hai, kya likha hai maine, e to the power minus i theta del w by del r with respect to r किया हमने, and this is nothing, there is minus i to the power i theta w का करेंगे हम, so that means what happen, this is e to the power minus theta del w by del theta. So this is the relation जो कि हमें याद होना चाहिए. एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ इसी पॉइंट को दे देता है, इस पॉइंट के बारे में पूछ लेता है कि इस which one of the following relation is true, क्या ये आप जानते हो, और फिर इस रिलेशन को भी आपके साथ दे सकता है खाली इस रिलेशन को. सो दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस रिलेशंस, कि ये क्या क्या रिलेशंस है मेरे पास, इन रिलेशंस के बारे में वो पूछता है. सो दैट मीन्स ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमने इसको कैसे निकाला है. ठीक है ना, सो चलिए हमने सी आर इक्वेशन की हेल्प से इन सबको तो ड्राइव कर लिया. अब हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ नई चीजें हम एक बात करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम की. ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. लिखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक पार्ट u, यानी कि fz होता है हमारे पास, fz में क्या क्या होते हैं, fz के पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है. दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी
पार्ट भी, ये होते हैं ना हमारे पास। सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, आपका क्या पर्पस है और आपका क्या काम है, जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर हमारे पास हैं, सो ये अगर हमें कोई वैल्यू दे, हमें कहा कि ये कांस्टेंट दे दी, वी भी कांस्टेंट दे दी, तो क्या होगा सिचुएशन, तो फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ऐसी बातों को हम कैसे लिखते हैं, सो लिखिएगा आप जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में, ठीक है। द फैमिली ऑफ द कर्व, ऑर्थोगोनल सिस्टम, कभी कभी पूछ लिया है, हाँ, और बहुत ज्यादा नहीं पूछता इस बारे में, हम ऑर्थोगोनल से वैसे भी निकाल लेते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन फिर भी हम कहते हैं टू फैमिलीज, टू फैमिलीज ऑफ द कर्व, कौन कौन से कर्व, एक तो दिया हुआ है हमें u x कॉमा वाई, द वैल्यू इज c1 एंड v x comma y is equal to c2, so different different values of the c1 and c2 we are getting the different different of the curves, so that means this is the family of the curves, ठीक है? So are said to form an orthogonal system, are said to form an orthogonal system, orthogonal system, orthogonal system if they intersect, if they intersect at right angle, at right angles, at each of their points, at each of their points of intersection, of intersection function, intersection, intersection, ठीक है। सो क्या कह दिया, हमारे पास जो भी फैमिली हुई है, दो टू फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम में आ जाएंगी अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को राइट एंगल पे, सो दैट इज अ ऑर्थोगोनल सिस्टम। अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाए कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है, ठीक है, फंक्शन को बोल दिया गया कि फंक्शन मेरा एनालिटिक है और यू और वी की वैल्यू दी गई है और दोनों की दोनों को कर्व है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है, मैंने कहा, सो वो क्या फ्रेम करती है, वो ऑर्थोगोनल सिस्टम फ्रेम करती है, सो दैट इज ए थिंग। सो ये तो सर आपने बता दिया हमें ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में, आपने हमें बता दिया पोलर फॉर्म के बारे में भी, क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस होता है फंक्शन देने के बाद, तो हम देख सकते हैं क्या हम एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सो यस हम कर सकते हैं, और नाम आता है उस मेथड का मिलने थॉमसन मेथड। सो लिखिएगा क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन के दो मेथड हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या है, देखिएगा फर्स्ट मेथड क्या कहता है, आपके पास किसी को भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो फर्स्ट मेथड क्या है, मिलने थॉमसन मेथड। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है आप देखिएगा, ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, आप एक चीज जानते हैं इसके अंदर, हम जानते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अगर मैं आपसे कहने लगू एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, तो आप ये भी जानते हैं साथ साथ कि व्हाट इज द जेड बार कंजुगेट ऑफ जेड, दैट इज एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों मिलके आपको क्या इंप्लाइज करती हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग, दैट इज ए सिंपली जेड प्लस जेड बार बाय 2, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू सिंपली जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। सो फ्रॉम द इक्वेशन, from the complex number and its conjugate, we can determine the value of x and the value of y.
ये हमें मालूम हो गया। सो जब हमें ये मालूम हो गया, अब हम कुछ और भी देख सकते हैं इसके अंदर। हम जानते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से इंफॉर्मेशन निकाल ली, वी ऑल्सो नो कि w क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है f of z, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, द रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर सेपरेट करें तो दिस इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई, और सिंपली कहूं द u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, एंड प्लस आयोटा v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। यही होता है ना हमारे पास यू एक्स वाई का फंक्शन और वी एक्स वाई का फंक्शन। So, जो हमारे पास फंक्शन z का है, क्यों ना मैं इसे x और y में कन्वर्ट कर लूं, सो दैट मींस हाउ इट विल बी, सो सिंपली यू विल राइट f ऑफ z इज इक्वल टू x और y की वैल्यू को हम रखते हैं, सो दिस विल बिकम व्हाट u इज ए फंक्शन ऑफ x y का दिखाई दे रहा है ना, z में ले आता हूं उसको मैं भी, x की जगह क्या रखोगे z plus z bar by 2, और y की जगह क्या रखोगे z minus z bar by upon 2i plus i v, वो v भी कैसा फंक्शन है, x की जगह यहाँ से x की वैल्यू रखोगे दैट मीन्स z प्लस z बार बाय 2 एंड y की वैल्यू z माइनस z बार अपॉन 2i, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, ओके। इसी रिलेशन से हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो दैट मीन्स देखो ये तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रोसेस का हम यूज नहीं करते, सीधा जो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आने वाला है उसी से ही हम निकाल लेते हैं अपने रिजल्ट को। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं सर ये आया कहाँ से, तो मैं आया वाली की कहानी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये हमने क्या कहा, दिस इज द रिलेशन फॉर्मली क्या कर रहा है, आइडेंटिटी इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड एंड जेड बार, ये क्या है, दिस इज द रिलेशन विच इज अ फॉर्मली आइडेंटिटी इन बोथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, कौन कौन से जेड और जेड बार में। अब हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं यहां पर कुछ वैल्यूज की, बाय सेटिंग आप सेट कर दीजिए क्या x की वैल्यू को, कि भाई मैं x ले रहा हूं z और y की वैल्यू ले रहा हूं 0, सो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू z बार, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, z ले ली है, और y क्या ले लिया है, मैंने 0 ले लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली z x इज इक्वल टू z हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या ली, 0, सो x क्या आ गया, z, ठीक है। और z चूंकि ये रियल है तो इसका z बार भी क्या होगा, वापस z बार ही रहेगा, ठीक है ना, दैट इज द रीजन ओनली, क्योंकि ये रियल पार्ट ले लिया है हमने, सो दैट्स व्हाट, इसकी कॉम्प्लेक्स पे कंजुगेट लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं, और बार बार आप सिंपली ऐसा ही करोगे, तो आपके पास फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको मैं 1 कहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द एफ जेड विल बी इक्वल टू यू जेड कॉमा 0 प्लस आई वी जेड कॉमा 0, ओके ना, दिस इज व्हाट, आई जेड कॉमा 0 प्लस आई वी जेड कॉमा 0, दैट इज अ थिंग। सो दैट मीन्स क्या मिल गया आपके पास, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी जेड which is equal to del w by del x। मेरे पास ये था, मैंने सिंपली क्या किया, इसके डेरिवेटिव ले लिया, और डेरिवेटिव को आप क्या जानते हो, अभी हमने की पॉइंट में लिखवाया था, दैट इज नथिंग dw by dz, और इसको हम पार्शियली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो del w by del x which is that which is equal to, सिंपली क्या आ गया आपके पास, दिस इज सिंपली इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इसका विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट, सिंपली यू कैन राइट del u by del x plus I del v by del x, but function को हम क्या मान के चलते हैं कि function मेरा analytic है, उसके construction कर रहे हैं, तो by the CR equation, so आपने क्या किया, by using CR equation, CR equation क्या कहती है, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx, इन equations का हमने use कर लिया, and we are getting a value, क्या मिल गया हमें, simply the value will become, this is become, that is equal to del u by del x minus I del u by del y. क्या किया मैंने, इस function को जो ऊपर वाला function था, what is what that, इस v को मैंने convert कर लिया u के अंदर, that's what I am doing u के अंदर, so that was a thing मेरी, so मैंने क्या कर लिया, दोनों function u के ही बना लिए using the आपका CR equation. So, simply अगर आप देखें तो आपके पास क्या मिल गया भाई, सो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, किसकी आ गई हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल डेल डब्ल्यू बाई
del x is nothing, that is equal to del u by del x minus I del u upon del y. ये हमारे पास रिलेशन आ गया है. अब आप इसको एज्यूम कीजिएगा कुछ वैल्यूज को. सिंपली हम क्या कह सकते हैं इसको, ये किसके बराबर थी, दिस वाज इक्वल टू द सम वैल्यू. सो दैट मींस व्हाट हैपन, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 51x, 0. आप मान रहे हैं अपनी तरफ से सेज. एंड दूसरा क्या, ये वाला, दिस पार्ट इज व्हाट, डेल यू बाय डेल वाई. ओके, दिस इज अ यूएक्स एंड दैट इज अ यूवाई is equal to, this is, you have to assume ux comma y. ठीक है, x की वैल्यू क्या लेके चले थे आप, x की वैल्यू लेके चले थे z और y की वैल्यू 0. तो this is what, 51z, 0. और इसको क्या मान लोगे आप, 52z, 0. आपने चूंकि मान लिया था ऑलरेडी x is equal to z and y is equal to 0, you have assumed previously, so that is a reason, so you are getting this value. So simply kya aa gaya aapke paas, dekha jaye, so this is relation se agar main dekhu to aapke paas kya aa gaya, so del fz kahun ya del w kahun main isko, simply, so what is this value, simply hamare paas kya aa gaya from isko maan lijiye b, equation number b. So from b se kya mila hame, from b what we are getting exactly, from b are you are getting f dash z is nothing, that is equal to 51z, 0 minus I 52z, 0. ठीक है, और अगर मैं हमें एनालिटिक फंक्शन बनाना है तो सिंपली क्या हुआ, f of z is equal to integration what, 51z, 0 minus I 52z, 0. So what is this? This is the nice thing with us. 5z is equal to what? 51z, 0 minus I 52z, 0. तो fz की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया जी. लेकिन सर क्या हमें बार बार ऐसे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं. ये आपको फॉर्मूले देने हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. देखो इसी तरीके से हम दूसरा फंक्शन भी, अगर हमें क्या होता है, ये आपने बार बार कोशिश यहाँ पर क्या की है, नोटिस कीजिए. आपने यहां पर कोशिश की है u को लेने की, दिस इज व्हाट u, यानी कि जब हमें u गिवन होगा, व्हेन रियल पार्ट यानी कि u इज गिवन, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला. लेकिन सर अगर v दिया हो तो v के पार्ट में हम कैसे करेंगे, क्या v का केस भी है हमारे पास? यस, v का केस भी होता है. ठीक है, पहले इसके एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस पर हम डिस्कस करके देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन. क्या करना है हमें, फाइंड करना है या डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड. ओके, हूज रियल पार्ट इज गिवन एंड इज हूज रियल पार्ट इज, रियल पार्ट पे ही हमने डिस्कशन किया था, हूज रियल पार्ट इज यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई माइनस वाई. हमें ये फंक्शन दिया हुआ है जी और पूछ रहा है कि एफ जेड को निकाल दीजिए. ठीक है, यू दीवन है तो दैट मीन्स समझ जाइएगा आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ही करना है. तो कैसे आप सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करोगे, इसके सिंपल सा वे है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई ज्यादा हमें मेहनत ही नहीं करनी है इसके अंदर. सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू नाउ, सॉल्यूशन के लिए आपको गिवन है ये इंफॉर्मेशन लिखिएगा, क्या क्या गिवन है. गिवन है आपके पास यू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई. ठीक है, यू एक्स निकाल लीजिए आप इसका, क्योंकि आपने देखिए पिछले वाले इसमें क्या किया है, आपने पिछले में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, दैट्स यू हैव थिंक यू एक्स निकाला था आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को, फिर हमने एज्यूम किया था ऐसे वैल्यू पुट की थी. सिमिलरली यू वाई निकालेंगे, ऐसी वैल्यूज निकालेंगे पुट करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन. सो क्या करने वाला हूँ, यहाँ आप निकाल लीजिए व्हाट इज द यू एक्स,
ux यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि del u by del x. सो व्हाट विल बी दिस वन, अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, द वैल्यू विल बिकम e to the power x. मैं यहां डायरेक्टली लिख दे रहा हूं आपको, आपको निकालना होगा x cos y minus y sin y plus e to the power x cos y. This is the my ux, ठीक है, this is my ux. आप क्या मानते थे इसको, से phi 1 z comma 0 is equal to ux, यानी कि आपने क्या कर दिया, हर जगह x की जगह z put कर दिया, that means which is equal to e to the power z, z. y की वैल्यू 0 है, that means cos 0 is equal to 1, ठीक है, minus, इसकी वैल्यू 0 हो गई, okay, then plus e to the power z, और वैल्यू क्या आ गई, 1, so that means क्या मिल गया आपके पास, that is nothing, z, e to the power z, plus e to the power z, what is this value, that is a phi 1, z, 0, so पहली बात आपने ये निकाल ली, simply, ठीक है, now then, second, second क्या, u of y is equal to what, uy को भी निकालने की कोशिश करते हैं, so uy को भी आप निकाल लीजिए similarly, और uy की value क्या आएगी, मैं यहां से लिख देता हूं, uy will be e to the power x minus x sin y minus sin y minus y cos y, okay, so uy is equal to, ये हो गया, similarly इसको हमें क्या मानना है, phi 2 z, 0, so this will become e to the power z, this will become minus z, but इसकी तो क्या value हो गई, 0, ये भी क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गई, minus y की value क्या, 0, that means this is a 0, so whole thing will become the 0, okay na, so by the Milne-Thompson method, so by Milne methods, क्या होगा आपके पास, Milne-Thompson method ने क्या कहा, by the Milne-Thompson method, आपको simply fz की value construction कर सकते हो आप, fz is equal to integration, क्या करते थे, phi 1, z, 0, और minus i, phi 2, z, 0, और बाहर क्या, dz, यही तो था, चलिए देख लेते हैं क्या यही था क्या, yes, phi 1, देखिए हमने इसमें यहाँ पर क्या छोड़ा, dz, ठीक है, phi 1, z, 0, minus i, phi 2, z, 0, तो हमारे पास Milne-Thompson method आ गया, you just put down the putting the values of this one and this one, इन दोनों values को मुझे यहाँ पर put करना है बस, और मुझे अपना answer मिल जाएगा, so now, this is what, this is equal to integration, phi 1, z की value क्या है भाई, हमने simply लिख लिया, z, e की power z plus z, and then minus क्या आ जाएगा, 0, और simply क्या मिला बाहर, dz, so what is this, this is nothing, z, e की power z plus z का integration करना है हमें, ये हमारे पास dz पड़ा हुआ है जी, so what will be the answer, answer will be the value of the is integration, और क्या आ रही है इस integration की value, integration की value आ रही है हमारे पास, z e की power z plus c, the constant of the integration, that is a analytic function, that is a required analytic function, इसको हमें निकालना था, so that means जब situation हमारे पास ऐसी थी तो हम directly ऐसे निकाल सकते थे, तो इसमें इन चीजों के लिए हमें बिल्कुल सोचना नहीं था कि अब ऐसे करें या वैसे करें, so similarly हम y के लिए भी formula दे सकते हैं अपना, but कुछ यहाँ properties होती हैं, एक दो properties मैं लिखवा देता हूँ आपको जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि continuity is a necessary condition, ठीक है, not sufficient condition for the existence of the derivative, जो कि आप जानते हैं already. Differentiable है तो पक्का continuous है, लेकिन continuous है तो need not be a differentiable, जैसे कि मैं recall कर देता हूँ, ठीक है, second हम कह सकते हैं, okay, this is not a good thing, आपके पास differentiability, चलिए differentiability वाले part में हम discuss करेंगे, तो हमारे लिए more beneficial होगा, कि कैसे हम differentiability के point को भी देखते हैं, so वहाँ से हम discuss कर लेंगे, और बहुत सारी problems हैं यहाँ दी हुई, but I think इस चीज़ों को हम next उसमें discuss करेंगे. Similarly मैं आपको ये कहना चाह रहा था हम v भी construct कर सकते हैं, v के लिए भी अगर v part given हो तो आप उसको कैसे handle करोगे, so we also have a formula, उसका भी हम utilize कर सकते हैं, किसी और lecture में discuss करेंगे, आज के लिए
इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन को इसको ऐसे डील करना है, बनाना हो सो दैट मीन्स यहाँ से अगर देखिए कभी एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है तो रियल आप पार्ट ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो दिस इज द ओनली वे। एक और मेथड होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड, बट मैं कहूंगा कि मिलने लगा यहाँ ज्यादा बेनिफिट होता है, या फिर अपनी आईक्यू का यूज करें सीआर इक्वेशंस की हर वैल्यू वहां से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो वो कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स है, कभी स्पेशल क्लास में या प्लस क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।